गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 है हमारे पास डाटा हैंडलिंग। तो डाटा क्या होता है बेटा? ए डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। मतलब डाटा नंबर्स की कलेक्शन है जो हमें एक साथ किसी चीज की इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास टैली मार्क्स आएंगे। ठीक है, टैली मार्क्स में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 तक यदि आपको आ गए तो आगे आप अपने आप लिख दोगे। 1 को तो बेटा सिंगल 1 ऐसे ही लिखते हम। ठीक है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को, ठीक है, 1 2 3 4 तो बेटा बिल्कुल ही सिंपल है, आप ऐसे लिख दो। 5 को 1 2 3 4 और ऐसे लिखा जाएगा फिर उसको। ठीक है, 5। 6 को 1 2 3 4 पहले आप 5 लिखोगे, फिर उसके साथ 1 और लिख दोगे। 7 कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें बुक में हमें दे रखे हैं, देखिए। उसके बाद 8 है हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे लाइन कर दिया तो ये 5 हो गया, 6 7 8। 9 कैसा लिखे जाएगा? पहले आप 5 लिखोगे और फिर 4 लिखोगे। 10 को कैसे लिखोगे? 5 प्लस 5 10 हो गया। 15 को 5 5 5, ठीक है, 3 times 5 जो भी नंबर है। 4 तक का नंबर है वो तो 1 फिर 2 3 4 5 5 तक यदि आपको लिखना आ गया है तो आगे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 में पहले 5 लिखो फिर 1 ऐड करो। 7 में पहले 5 लिखो फिर 2 ऐड करो। फिर 8 को कैसे लिखोगे? 5 लिखो फिर 3। 9 को 5 और 4, 10 को 5 और 5, और 15 को 5 5 5। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है, कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 times। मतलब वो एक डाइस है खेलने की, उसको वो 40 times फेंकता है। द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो। बेटा जिससे आप लूडो भी खेलते हो ना, वही डाई है जिसपे नंबर लिखे हुए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो 40 times जब वो डाइस को थ्रू करता है तो ये नंबर आते हैं इसमें। तो इनको आपको क्या करना है, इसमें आपको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इसको कैसे करोगे आप? ऐसे आप एक टेबल बना लेंगे, नंबर्स लिखेंगे कि 1 नंबर कितनी बार आया, 2 3 4 5 6 नंबर ही तो आएंगे ना उसमें। टैली मार्क्स में लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप इसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखोगे इसके कि 1 कितने टाइम्स आया, आप काउंट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 कितने टाइम्स आया बेटा? 7 टाइम्स आया, तो आप यहाँ 7 लिख दोगे। उसके बाद आप 2 को काउंट करोगे क्वेश्चन के अंदर कि 2 कितने टाइम्स आया है इसमें। ठीक है, तो देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6, तो 2 कितने टाइम्स आया बेटा? 6 टाइम्स आया। ऐसे ही क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि 5 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम आया। 4 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया। 5 कितने टाइम्स आया, 11 टाइम्स, मतलब 3 5 times आया है, 4 4 times आया है, 5 11 times आया है, और 6 कितना आया है, 7 times। बस बिल्कुल सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, यदि ये कहते हैं कि क्वेश्चन को टैली मार्क्स में आप यदि रिप्रेजेंट करो तो उसको आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ गिव द डिटेल ऑफ द नंबर्स ऑफ एबसेंट इन ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। मतलब ये पिक्टोग्राफ जो आपको बता रहा है, ये जो पहले वीक में जो वो बच्चे एबसेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इसमें बेटा जो पिक्चर्स बना रखी है ना, उसमें बताया जाएगा कि 1 पिक्चर है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें बताया कि 1 पिक्चर 1 स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मंडे को बताना है कितने हैं, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर एबसेंट। आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से डे को एबसेंट थे। तो अब आप काउंट कर लो, इसमें तो भाई 5 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 8 है। तो सैटरडे को कितने बच्चे हैं? 8 है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कौन से डे को एबसेंट हुए? सैटरडे को हो गए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, विच डे वाज इज रिकॉर्डेड 100% अटेंडेंस। मतलब कौन सा डे ऐसा था जिसमें 100% अटेंडेंस थी? तो बेटा कितना आएगा? थर्सडे है, थर्सडे को कोई बच्चा एबसेंट नहीं था। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक।
इस वीक में टोटल एबसेंटीज कितनी है, तो इन सभी को आप काउंट कर दोगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने एबसेंट थे बेटा, 20 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक वॉज शोन बिलो। मतलब सेल जो है, मतलब कितने कितने बल्ब बेचे गए वीक में, ये बताना है इसमें। लेकिन हमें पिक्टोग्राफ में ये बता रखा है, बल्ब वन बल्ब है, उसका मतलब क्या है कि टू बल्ब हैं उस दिन। तो मंडे को कितने हुए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक आपको बता रखा है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बल्ब का मतलब है कि उसने दो बल्ब सेल किए हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। आपको ये बताना है कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए। ठीक है, तो बेटा इसमें देखिए, फ्राइडे को कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बल्ब बना रखे, और बल्ब का मतलब कितना है, 2, तो 7, 2 जा 14, तो फ्राइडे को कितने बल्ब सेल हुए बेटा, 14 बल्ब हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, सबसे ज़्यादा बल्ब कौन से डे को सोल्ड हुए। तो इसमें आप देखिए, काउंट करके देखेंगे तो संडे है, संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब सोल्ड हुए। भाई काउंट करके देख लो आप, सबसे ज़्यादा संडे को ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ वन बल्ब वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, यदि वन बल्ब को 10 रुपीज़ के रेट से सोल्ड किया जाता है, फाइंड द टोटल सेल ऑन संडे। तो संडे को उसने टोटल कितने सेल किए, तो पहले आप देखो कि संडे को उतने कितने बल्ब सोल्ड किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 मीन्स 18 बल्ब उसने सोल्ड किए। भाई वन बल्ब की कॉस्ट 10 है, तो 19 बल्ब्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 10 को 19 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 190 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैन यू फाइंड द टोटल सेल ऑफ द वीक। टोटल सेल आप निकाल सकते हो वीक की, सभी बल्ब को ऐड करके फिर आप निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद इफ वन वीक कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, फाइंड द नंबर ऑफ कार्टून दैट वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो ये कह रहा है कि वन बल्ब में, मतलब वन कार्टून में 9 बल्ब आते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ कार्टून। तो आपको नंबर ऑफ कार्टून बताना है कि कितने कार्टून की जरूरत है। तो पहले आप ये देखिए कि कितने बल्ब, भाई सिंस 9 बल्ब नीड वन कार्टून, देर वन बल्ब नीड 1/9 कार्टून, टोटल बल्ब कितने हैं भाई, 86 हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, 86 को 9 से ही डिवाइड कर दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टून्स आपको निकालना है, तो इसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है,